रास्ते लग के वक्त। सर खबर मिली है कि ये बहरूपिया आज इन्हें ये महल देने वाला है। क्या? अरे चुप हो जाओ, सबको मिलेगा, सबर करो। चंद्रिका, काम होते ही निकल जाऊंगी अंकल। आदरणीय अतिथिगण, आज इस ऐतिहासिक समारोह के संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अभी कुछ ही क्षणों बाद युवराज का परंपरागत रीति रिवाजों के साथ राज तिलक होगा, लेकिन उससे पहले युवराज की घोषणा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जाने अनजाने में जिन लोगों के दिल मैंने कभी दुखाए हैं, उन सब से आज माफी मांगना चाहता हूं। परिवार में अक्सर मतभेद हो जाते हैं, और जब अपनों से दुख मिलता है तो दर्द भी बहुत होता है। जो वक्त बीत गया उसे हम लौटा तो नहीं सकते, पर वह दर्द बांट तो सकते हैं। अपनी बहनों का दर्द बांटते हुए मैं आज उन्हें ये महल सौंपना चाहता हूं। सिर्फ महल ही नहीं, विरासत में महाराज से मुझे जो भी मिला है वह सब मैं अपनी बहनों के साथ बांटना चाहता हूं। लंदन स्विट्जरलैंड के मेंशंस, ईशानगर के फार्महाउसेस, जमीनें, जेवरात और फैक्ट्रियां, इन सबके कागजात यहां मौजूद हैं, सब साथ में बांटते हैं। चंद्रिका, अब तो हर हिस्से में तुम हो, क्या हमें हमारे हिस्से में हमारी बहन वापस मिल सकती है? तुम सही कहती हो चंद्रिका, भाई बहन ये तो सिर्फ शब्द हैं, इनका कोई मोल नहीं। मोल तो उस रिश्ते का है जहां आगे भी तुम्हें रूठने का पूरा हक है, लेकिन तुम्हें मनाने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुना है बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था तो चंदा खुद जिद करके मेरा तिलक लगाया करती थी, याद है चंदा? और आज जब मैं इस परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इतने बड़े सफर पे निकला हूं, क्या तुम एक बार फिर मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाओगी चंदा? भी कोई रंज है तो कोई पराया ही समझ के तिलक कर दो। चंद्रिका,
राजा भैया। मुबारक हो प्रेम दिल वाले, अब राजकुमारी तुम्हारी हो सकती, राजकुमारी तुम्हारी हो सकती, राजकुमारी तुम्हारी हो सकती। दिलवाले, राजकुमारी तुम्हारी हो सकती है। मेरा तुम पर यकीन नहीं करने का मतलब है मौत। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर गलती की होती तो डर लगता राजा भैया। ले जाने आया हूं आपको आपकी राजकुमारी के पास, जहां आपकी बहनें आपका वेट कर रही हैं, आपकी फैमिली आपकी राह देख रही है। नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं, सब नाम के हैं, सब मतलब के हैं। भाई बहन के घर जाता है, बहन वकील बुलाती है, भाई भाई की जान लेना चाहता है, ये कोई फैमिली हुई? जान ले लूंगा मैं अजय की। राजकुमारी के सिंदूर पर क्यों ये कनक लगाना चाह रहे हैं आप राजा भैया? हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है। बहुत बढ़िया बोले दिलवाले, लेकिन फैमिलीज में कसूर भी है, जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है। नहीं राजा भैया, बस आपकी खातिर हम अजय सिंह को मौका देंगे, मुकाबले का मौका। क्षमा करना, नाथी अनबन जहा दर्पण बता बचपन कहा। राजा भैया, बस भाई आपके दुश्मन है, ये बात है तो गुस्ताखी माफ। दुश्मन के लिए भाइयों वाला प्यार क्यों राजा भैया? आप मारो तो सजा, कोई और मारे तो गुनाह। ये तो सिर्फ खून में होता है, परिवारों में होता है, ये सच नहीं। अगर ये सच नहीं है तो वो रहा भाई, जान ले लो उसकी।
राजा भैया, आज भी अब कहना कुछ चाह रहे, दिखा कुछ और है। कह क्यों नहीं देते अपने भाई से कि भाई मैं बहुत अकेला हूं, घर चल। और आप छोटे युवराज, देखिए अपने भाई की आंखों में, आपकी कोई इच्छा हो और ये पूरी नहीं करे, ऐसा कभी हो सकता है? आप दुनिया की बातों में आके अपने भाई की जान लेने चले थे? आप सब भाई बहन एक कड़ी में जुड़े हैं, सब वही प्रेम रतन धन ढूंढ रहे हैं जो शीश महल में खोया था। बस ढूंढने का तरीका सबका गलत है। भाइयों में माफी कैसे मांगी जाती है भाई साहब? दिल से गले लगकर। तो तेरे से गले लगाई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये